तक ये समझें कि जो सफाई लंगर का एहतमाम बुनियादी तौर पे 20 साल से आप करते आ रहे हैं, तो आपने लंगर शुरू किया, आज किस मकाम पे है, किन किन बुनियादी ज़रूरतों का यहाँ एहतमाम किया गया और क्या मुश्किल हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि हमने 1989 में ये काम शुरू किया था और उस वक्त हम स्टूडेंट थे जब हमने पानी की सबील से ये सिस्टम शुरू किया था, और अल्लाह ताला के फजल व करम से फिर ये आस्ता आस्ता बढ़ता बढ़ता आज मुस्तफ़ाई लंगर की शक्ल इख्तियार कर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बात बड़े फख्र से अल्लाह का शुक्र करते हुए ये बात कि हम इंशाल्लाह आज रात गए तक 1 लाख से ज़ायद ज़ायरीन को लंगर खिलाने में कामयाब हो जाएंगे। इसका बेसिक मकसद जब हमने सैलाब ज़दा इलाकों में लंगर सैलाब ज़दगान को खिलाया था, तो उस वक़्त हमारे ज़हन में ये कंसेप्ट आया था कि दाता हजूर के उर्स मुबारक के मौका पर लाखों ज़ायरीन आते हैं और उनको लोग लंगर पेश करते हैं, लेकिन वहाँ पे लंगर की बेहरमती बड़ी होती है। हमने सोचा कि क्यों ना लंगर की बेहरमती को रोकने के लिए एक अच्छा सेटअप बना के लोगों को लंगर खिलाया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़े एहतमाम से बड़ी अच्छी कुर्सियाँ टेबल लगा के हमने लंगर का इंतज़ाम किया है। हमारे जो रज़ाकार हैं उनमें कारोबारी लोग भी हैं, उनमें स्टूडेंट भी हैं और नौजवान तबका बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने दिन रात अपने मिशन को जारी रखा और दाता हजूर के ज़ायरीन की खिदमत की है। और मुश्किलात, ख्वाजा साहब जहाँ तक आपने मुश्किलात का सवाल किया है, मैं समझता हूँ कि जो काम खलूस नीयत से किया जाए और अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए उसमें मुश्किलात नहीं आती। हमें कोई मुश्किल नहीं आई, अल्लाह का फजल है। हमने वसाइल भी इकट्ठे किए अपनी जेबों से और इंतज़ाम भी आपके सामने है। आज बारिश भी हुई है लेकिन लंगर रुका नहीं है, एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसको बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। हम लंगर की डिशें भी बढ़ाएंगे और बेसिक जो इसमें कंसेप्ट है, हम लोगों को एक इस मिशन पर चलाना चाहते हैं कि ये बुज़ुर्गों और सूफियों की जो रवायत है लंगर की, इसको आसान तरीके से सर अंजाम दें। और इंशाल्लाह आप ख्वाजा साहब देखेंगे कि 4 और 5 साल के अंदर हम दाता हजूर के उसके मौका पर ये ट्रेंड चेंज करना चाहते हैं। हर आदमी लोगों को बड़े तमाम से बाइज़्ज़त तरीके से बैठा कर लंगर खिलाएगा, और ये हमारा मिशन है कि हम लोगों की खिदमत करें। यही हमारी सब अवलीन तरजीह लोगों की खिदमत है, वो ज़ायरीन हो, सैलाबज़दगान हो, लंगरज़दगान हो, या कौम मुसीबत में हो, हमारे कारकुन जो हैं रज़ाकार, वो बगैर किसी मुआवजे के दिन रात खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उन दोस्तों को जो दिन रात हमारे इस कारोबार, इस लंगर के और इस मिशन में शरीक रहते हैं, उनको ज़्यादा ताकत दे, ज़्यादा हिम्मत दे, ज़्यादा हौसला दे, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस हमारे मिशन को और ज़्यादा तकवीत देगा।